इसराइल अडेसानिया यूएफसी 305 की टाइटल फाइट को ड्रेकस डुप्लेसी से हार गए। आपने भी फाइट देखी और आपने भी कई ऐसे रीजन निकाल लिए होंगे कि इसराइल अडेसानिया किस वजह से हारे हैं। आज मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। किसी भी फाइट को जब आप देखा करेंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोटिस करना भी सीखेंगे, तो इसलिए एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है और आप लोग मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे भाई मान गए, दिस इज़ द रियल ऑब्जर्वेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इसराइल अडेसानिया एक टेक्निकल स्ट्राइकर हैं, बहुत तगड़े, ठीक है, किक बॉक्सर हैं वो, अगर उनका आप बैकग्राउंड देखें। और उनकी सक्सेस का जो मेन रीज़न था वो था उनकी प्रिसाइज स्ट्राइकिंग, यानी कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट वो काउंटर स्ट्राइकिंग करते थे। काउंटर स्ट्राइकिंग का मतलब होता है कि जब कोई दूसरा एक्सटेंड करता है या फिर दूसरा एकदम से फ्लरी ऑफ पंचेस मारता है या फिर आप दूसरी भाषा में कहें ब्लिट्स करता है, तो उस टाइम पर एकदम से स्लिप होकर बूम क्या करना, काउंटर स्ट्राइकिंग करना। और लेकिन काउंटर स्ट्राइकिंग करते वक्त जो सबसे मेन चीज़ होती है वो क्या होती है कि फाइटर को अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं होता, ही हैज टू बी इन हिज पॉकेट ऑल द टाइम, ही हैज टू स्लाइड बिटवीन द पंचेज एंड देन हिट प्रिसाइजली। यानी कि उसके अंदर करना क्या होता है कि आपको ग्राउंड नहीं छोड़ना होता। ऐसा नहीं कि दूसरा अपने आप को ओवर एक्सटेंड करे तो आप पीछे भागने लग जाए, नहीं, जब कोई दूसरा ओवर एक्सटेंड करेगा ना तो उस टाइम पर आपको उसके पंचेज से स्लाइड होकर बूम, पंचेज से स्लाइड होकर बूम इस तरीके से क्या करना होता है, नॉकआउट करना होता है दूसरों को। ऐसा ही करने में माहिर थे इसराइल अडेसानिया, ध्यान से सुनना, माहिर थे, अभी नहीं है। आप जब इसराइल अडेसानिया ने अपनी पहचान बनाई टाइटल जीतकर, उस वक्त उन्होंने उस टाइम के चैंपियन रॉबर्ट व्हिटेकर को हराया था। आप वो फाइट देखना उनकी, जब आप उनकी फाइट देखोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही रॉबर्ट व्हिटेकर जो है ब्लिट्स कर रहे थे, जैसे ही रॉबर्ट व्हिटेकर जो है फ्लरी ऑफ पंचेस मार रहे थे या ओवर एक्सटेंड कर रहे थे, इसराइल अडेसानिया पीछे भाग नहीं रहे थे, पीछे सिर करके ऐसे दूर नहीं भाग रहे थे, वो पीछे स्लाइड करके जहां से भी पंचेज आ रहे थे फिर वो टेक्निकल स्ट्राइकिंग कर रहे थे, तब वो काउंटर पंचिंग कर रहे थे, काउंटर स्ट्राइकिंग कर रहे थे, लेकिन पॉकेट में रहकर, पॉकेट में रहने का मतलब है उसी में उसी जगह पर रहकर स्लाइड इन करके तब जो है काउंटर स्ट्राइकिंग करना। ऐसे ही करके उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट व्हिटेकर को नॉकआउट किया। अरे रॉबर्ट व्हिटेकर के पंचेस साइड से जा रहे थे, उसके रिफ्लेक्सेस से जो है बच्चे, और फिर वहीं से जो है काउंटर स्ट्राइक किया, ये करते थे अडेसानिया। दूसरी तरफ आप उनकी फाइट पोलो कोस्टा से देखो, उस वक्त क्या किया था उन्होंने, उस वक्त जैसे ही पोलो कोस्टा जो है एक्सटेंड कर रहा था वैसे ही उन्होंने, वो पीछे नहीं भाग रहे थे, ही वाज स्टैंडिंग देयर। स्टैंडिंग देयर का मतलब ये नहीं है कि खंबे की तरह वहां खड़े हो जाए सिर को ऐसे रख के स्टेशनरी, कहने का मतलब है कि पॉकेट में रहे थे, स्लाइड कर रहे थे, एंड बूम एकदम से उन्होंने क्या किया, पंच किया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसराइल अडेसानिया अब ऐसा नहीं करते, ही डजंट स्टैंड हिज ग्राउंड, वो पॉकेट में नहीं रहते, वो जब भी उनकी तरफ कोई स्ट्राइक आता है वो पीछे जो है मूव करके भागने लग जाते हैं, ही रिट्रीट फ्रॉम पंचेस। इसीलिए ना वो दूसरे को नॉकआउट कर पा रहे हैं और इससे वो खुद भी नॉकआउट हो रहे हैं। अब इससे आगे की स्टोरी सुनो, ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को समझो। देखो, इसराइल अडेसानिया को जब नॉकआउट किया एलेक्स परेरा ने, तो उसके बाद से जब दूसरी फाइट में वो उतरे किसके खिलाफ, स्ट्रिकलैंड के खिलाफ, तो कितने ध्यान से इस चीज को सुनना कि उस वक्त भी वो पहले राउंड के अंदर नॉकआउट हो गए थे लगभग। तो रिसेंटली वो दो ऐसे इंसिडेंट्स को झेल चुके हैं जहां पर वो एक बार तो नॉकआउट ही हो गए थे और दूसरी बार वो नॉकआउट होते होते बचे थे। उसके बाद से जब भी कोई पंच उनकी तरफ फेंकता है, जब भी कोई ब्लिट्स करता है या फिर कहें जब भी उनकी तरफ अब जब अटैक आता है, तो वो पहले की तरह पॉकेट में रहकर स्लाइड करके काउंटर स्ट्राइकिंग करने की बजाय वो हेड मूवमेंट पीछे करके भागने लग जाते हैं। और इसी का फायदा उनके रिसेंट लॉसेस में उनके अपोनेंट उठा रहे हैं, जब वो पीछे भागते हैं तो ऐसे में उनको पंचेस भी लगते हैं, ऐसे वो टेक डाउन भी हो जाते हैं, और इसी वजह से वो आज के दिन सबमिट हो गए। इसराइल अडेसानिया इज नॉट विलिंग टू स्टैंड एंड बैंग लाइक ही यूज टू बी, यानी जिस तरीके से इसराइल अडेसानिया फाइट किया करते थे,
पॉकेट में रह के स्लाइड करके काउंटर स्ट्राइकिंग करना, वैसा वो आज के टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके अंदर इम्प्रूवमेंट तो जरूर देखने को मिली है। इस फाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट क्या देखने को मिली, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना वो भी बता देगा कि जो डिस्टेंस में जो उनकी स्ट्राइकिंग थी, यानी कि एक तो स्ट्राइकिंग होती है पॉकेट में, यानी कि बिल्कुल पंचे जा रहे हैं, स्लाइड कर रहे हो, काउंटर स्ट्राइकिंग कर रहे हो, उसमें वो पिछड़ गए हैं। इसमें वो अडेसानिया रहे ही नहीं, यानी कि नाउ ही इज अडेसानिया बट ही इज नॉट स्टाइल बेंडर। स्टाइल बेंडर का मतलब ये था जब वो ऐसी टेक्निकल स्ट्राइकिंग काउंटर स्ट्राइकिंग करते थे। अब वाई ही इज अडेसानिया बट नॉट स्टाइल बेंडर, क्योंकि वो अब जो है अपनी पॉकेट में रहकर फाइट नहीं करते, पीछे भाग जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने इम्प्रूव जो इस टाइम पर किया है वो किया है, एक तो अपनी बॉडी के अंदर कंडीशनिंग अच्छी की है। गैस टैंक उनका बिल्कुल कभी से अच्छा था लेकिन अभी भी आज के टाइम पर अच्छा, उस पर काम किया। और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस स्ट्राइकिंग होती है उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है, यानी कि डिस्टेंस में रहकर जैसे लेग किक हो गई, आउटसाइड लेग किक हो गई, काफ किक हो गई, हेड किक हो गई, बॉडी शॉट हो गए, बॉडी किक हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इज़राइल अडेसानिया काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। इवन इन्होंने स्पिनिंग बैक फिस्ट मारने की भी कोशिश की, तो ही इज़ वेरी डायनेमिक इन रेंज फाइटिंग। रेंज फाइटिंग में तो वो एक्सेल कर रहे हैं, दिन ब दिन बेटर होते जा रहे हैं। इवन वो आप बड़े उनकी फाइट को ध्यान से देखें, पिछली जो मैंने आपको नाम लिया है, बस फर्क इतना आया है कि ही इज़ नॉट नाउ स्टैंडिंग हिज ग्राउंड, ही इज़ नॉट स्टैंडिंग इन पॉकेट एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू ट्रेड, क्योंकि 35 साल का जो है एज फैक्टर भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। जब वो स्टाइल बेंडर थे, जब ये सब चीज़ें करते थे, जब वो भागते नहीं थे, तब वो पॉकेट में रह के जो है काउंटर स्ट्राइकिंग करते थे, उस वक्त आप देखो तो वो 30 साल के करीब के थे। लेकिन अब ही इज़ नाउ 35, पैसे भी आ गए हैं यार, ही इज़ नॉट हंग्री एनी मोर। हाँ, ही इज़ ए गुड फाइटर बट आई डोंट थिंक सो कि बिना अपने इस चीज़ को फिक्स किए जैसा वो फाइट करते थे बिल्कुल वैसे ही फाइट करें, अपने जो है ग्राउंड को स्टिक करें, बिलीव करें कि हाँ मैं अगले को नॉकआउट करूँगा जैसे मैं करता था, वरना यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक जीतेंगे दो हारेंगे, एक जीतेंगे दो हारेंगे। आज ये वीडियो देखी तो आपको ये भी पता लगा होगा, देयर आर लेवल्स ऑफ गेम एंड देयर आर ऑल्सो लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। इसलिए आप हिंदी के जितने भी व्यूवर्स हैं, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर ऐसे आदमी को प्रमोट करें जिसको कोई ज्ञान हो, जिसको कोई नॉलेज हो एमएमए के गेम के बारे में, ठीक है ना। ऐसे लोगों से दूर रहें जो यूएफसी के रिव्यूवर, यूएफसी के जो है फाइट रिव्यूवर से ज़्यादा केएफसी के फूड रिव्यूवर लगते हैं, है ना। जिनको आज के टाइम पर जिस बंदे को केएफसी के फूड्स का रिव्यू करना चाहिए उसको देखकर ऐसा लगता है, और वो कर रहा है यूएफसी के फाइट्स का रिव्यू, हद है यार। जैसे अमिताभ बच्चन खुद गंजे हो गए, डाबर लाल तेल बेच देते हैं इंडिया में, वैसा काम यूएफसी के साथ तो मत करो ना यार, है ना। गंजे तेल बेच रहे हैं, फूड रिव्यूवर फाइट रिव्यू कर रहे हैं, तो दिस शुड बी स्टॉप्ड। और ऐसा किस लिए कैसे होगा, जब आप लोग जागेंगे, जब आप लोग टेक्निकलिटीज को समझेंगे, और आप ओजी फैंस हैं यूएफसी के इंडिया में, और यानी कि आप ये देखना हिंदी उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनमें ज़्यादा फैंस नहीं है यूएफसी के, लेकिन जो भी फैन है ना वो तगड़े वाले फैन है। और मुझे आप पे भरोसा है कि जब आप इन चीज़ों को मेरी सुनते होगे, टेक्निकलिटीज़ को, तो आप बेशक मुझसे नफरत करते होंगे, नफरत तो क्यों करोगे भाई, आप मुझे जानते नहीं है। कई लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, या जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, या जो सोच रहे हैं सब्सक्राइबर कम है, जनता का मैं जो सोच रही है, तो भाई एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इट डजंट मैटर। आपके दिल में भी ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि हाँ यार बंदे में बात तो है, बात तो इसने कुछ गजब बोल दी, यही है बात। तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि जो जो बातें मैंने बोली हैं और जो मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो ठीक है या नहीं, और पिछली फाइट्स देखना अडेसानिया की, और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उसके हिसाब से देखना, आप बोलोगे कि भाई फाइट की एक एक टेक्निकलिटी आजकल समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ख्याल रखें।